अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। घर को क्लीन रखने के लिए हम मार्केट से मुख्तलिफ क्लीनर्स तो खरीद कर लेकर आते ही हैं, लेकिन अगर हम घर में मौजूद कुछ चीज़ों से कुछ हैक्स कर लें तो ज़िंदगी और भी आसान हो जाती है। वैज़लीन को एज अ क्लीनर यूज़ करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिनमें से वैज़लीन का आज एक यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मिरर्स पर बहुत जल्दी स्टेन्स आ जाते हैं जो कि ब्लरी इफेक्ट दे रहे होते हैं, तो इसके लिए मैं ये करती हूँ कि ना किसी कॉटन बॉल पर या फिर कॉटन पीस पर वैज़लीन को थोड़ा सा लगाकर अगर आप अपने मिरर को साफ़ कर लें, वाइप ऑफ कर लें, तो आपका मिरर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अक्सर मिरर को हम न्यूज़पेपर से क्लीन कर रहे होते हैं, विच इज़ नॉट गुड आइडिया, उससे स्टेन्स रह जाते हैं, लेकिन अगर आप वैज़लीन या फिर बेबी ऑयल को अप्लाई कर लेंगे कॉटन पर और उससे क्लीन करेंगे तो आपका मिरर आप देखेंगे कि बिल्कुल स्टेनलेस हो जाएगा। मेरी सेकेंड टिप ये है कि बिरयानी तो हर घर में बनती ही रहती है, तो ज़र्दे का इस्तेमाल भी होता है, तो जब ज़र्दे का इस्तेमाल करते हैं तो वो हाथ पर भी लग ही जाता है, और अगर कहीं जाना पड़ जाए ऐसे में तो हर कोई देखकर समझ जाता है आपके हाथों को कि आज ये बिरयानी बनाकर आई है। लेकिन मैंने आज बिरयानी नहीं बनाई है, मैंने सिर्फ ये इसलिए लगाया कि आपको इसका सॉल्यूशन दे सकूं। ज़र्दे के रंग को हटाने के लिए आप चाहे कितना ही वॉश कर लें, इसको कितना ही रगड़ लें, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं जाता है, कम से कम एक दिन तक तो जाता ही नहीं है। तो इस दाग को हटाने के लिए आज एक ऐसी टिप दूंगी कि आपका ये मसला फ़ौरन हल हो जाएगा। इसको रिमूव करने के लिए थोड़ा सा मीठा सोडा अगर अपने हाथों पर डाल लेते हैं तो ये इससे साफ़ हो जाएंगे। आपने बस ये करना है कि मीठा सोडा अपने हाथों पे छिड़क लेना और इसको आहिस्ता आहिस्ता से रगड़ते रहना है, ये चले जाएंगे। अगर फिर भी ना जाए तो इसी सोडे के ऊपर थोड़ा सा विनेगर डाल लें। जैसे ही आप विनेगर डालेंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता रब करने के बाद इसका कलर निकलना शुरू हो जाएगा। चाहे कितना ही गहरा निशान क्यों ना हो ज़र्दे का, कितना ही ज़र्दे का रंग आपके हाथ में फैला हुआ हो, सिर्फ दो चीज़ों के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि ये बदनुमा नज़र आने वाले निशान आपके हाथों से कैसे गायब हो गए। बस आपने थोड़ा सा रब करना है, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा रब करना पड़ा क्योंकि मैंने तो जानबूझ कर लगाया था ना ये ज़र्दा, तो इसलिए मुझे ज़्यादा रब करना पड़ा। जैसे ही आप ये दो इंग्रेडिएंट अपने हैंड्स पर डालेंगी ना तो आप देखेंगी कि मैजिक हो जाएगा, यानी फ़ौरन ये रिमूव हो जाएंगे निशान, आपको पूरा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। बस फिर थोड़ा सा रब करने के बाद हैंड वॉश कर लें, एज यू कैन सी कितना ज़्यादा निशान था और बिल्कुल रिमूव हो गया ना। तो इस टिप को ज़रूर अप्लाई करिएगा, है तो छोटी सी लेकिन है बड़ी यूज़फुल। मेरी थर्ड टिप भी क्लीनिंग से ही रिलेटेड है। पॉपकॉर्न में जब आप सोप डालेंगे ना तो ऐसा रिएक्शन होगा ना इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कि आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि किचन की क्लीनिंग भी इतनी ही ज़रूरी है जितनी सेल्फ क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है ना कि सफाई निसफ ईमान है, तो इसी तरह से घर को भी साफ़ रखना है और ख़ुद को भी साफ़ रखना है। साफ़ रहेंगे या साफ़ रखेंगे तो बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो हमारी अपनी गलतियों की वजह से ही हमारे घर में या हमारे अंदर मुंतकिल होती हैं। गंदे बर्तनों के इस्तेमाल से या फिर बर्तनों को प्रॉपर तरीके से वॉश ना किया गया हो, या किचन की ही सफाई को थोड़े दिन के लिए अगर हम निगलेक्ट कर देना, उसको प्रॉपर क्लीन ना करें ना थोड़े दिन तक, तो भी छोटे छोटे से कीड़े, कॉकरोचेज और चूटियाँ किचन में हो जाती हैं, जो कि फिर बर्तनों में मुँह मारती हैं, कैबिनेट्स में हो जाती हैं। और ये कॉकरोचेज और चूहे ये अगर किसी घर में हो जाए ना तो बस तबाही फैला देते हैं, एक घर से दूसरे घर में, दूसरे से तीसरे घर में, कोई घर नहीं छोड़ते ये तो, और इतनी बीमारियां लेकर आते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में नहीं है। ज़ाहिर है सफाई रहेगी तो ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे, लेकिन अगर ये एक बार हो जाते हैं ना, आप सफाई कितनी ही रख लें ये नहीं जाते। तो इनसे किस तरह से बचा जाए इसके लिए आज एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ। अगर बच्चे घर में होंगे तो पॉपकॉर्नस तो बनते ही होंगे, तो बने हुए पॉपकॉर्नस लेने हैं थोड़े से और उनको क्रश कर लेना है हाथों की मदद से। जब अच्छी तरह से क्रश हो जाएंगे तो हम एक सोप ले लेंगे और इसको भी ग्रेट कर लेंगे। थोड़ा सा साबुन जब ग्रेट हो जाएगा तो इस ग्रेट किए हुए साबुन को हम पॉपकॉर्न के अंदर मिक्स कर देंगे। इन दोनों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के आपने बेकिंग सोडा डालना है, यानी कि मीठा सोडा ऐड कर देना है। इन सबको, तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और जहाँ जहाँ आपके कॉकरोचेज हैं ना कैबिनेट्स में या फिर सिंक के नीचे वाले एरिया में, आपने वहाँ पर इसको स्प्रिंकल कर देना है। और यकीन करिए इतनी पावरफुल टिप है ना कि पहले मैं समझ रही थी ये ऐसी ही होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका, लेकिन जब मैंने इसको उस एरिया पे डाला जहाँ पर मुझे एक लिज़र्ड नज़र आ रही थी, तो यकीन करें इसके डालते ही लिज़र्ड का आता पता नहीं है 2 दिन हो गए। और ना इसको मैंने आंट्स पर भी डाला, आंट्स भी नहीं आ रहे। मैंने सोचा था कि पॉपकॉर्न खाने के लिए आएंगे, लेकिन ना आंट्स भी नहीं आ रहे, तो ये बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।